लिए सरकार को धन्यवाद देती हूँ जो सरकार रोजगार के प्रति मान्य ढोल और नियुक्ति नियमावली में जो विसंगतियां हैं उसका संशोधन कर रही है और नई नियुक्ति नियमावली बना रही है। साथ ही अध्यक्ष महोदय, जो नियोजन नीति बनाई जा रही है सरकार के माध्यम से, उसमें संशोधन के लिए काफी हम पढ़ेंगे भानु जी। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ, मेरे पास आए, हम पढ़ेंगे करती हूँ पढ़ेंगे कि मांगों के अनुरूप नियुक्ति नियमावली में संशोधन की जाए। साथ ही अध्यक्ष महोदय, सरकार से अनुरोध है कि रोजगार में जो वैकेंसी खाली पड़े हुए हैं उसमें और तेजी लाए और इसी वर्ष सभी विभागों में परीक्षाएं संचालित कर ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति करवाए। और जो भी विसंगतियां हुई है अध्यक्ष महोदय, जिसके वजह से सभी वर्ग के लगभग अभ्यर्थी लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे कि बोलने से सुनाई पड़ता है, जैसे कि हम सुन लेंगे आपका बात, गवर्नमेंट टीचर इग्नोर जिले के विशेषकर आपका ड्राइवर के लोग हो जिनको सेवा नहीं मिली है, चाहे 25% जो अभ्यर्थी हो जिनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है गवर्नमेंट टीचर। भानु जी माइक से बोलिए, माइक, चाहे पंचायत सचिव, चाहे होम गार्ड, पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं अध्यक्ष महोदय जिसमें तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आज स्थगन के अमर जी आप ही चलाइए, हम उठ जाते हैं आसन से, नहीं आप ही चलाइए तो हम उठ जाते हैं, ऐसा होता है। हमने क्या बोला आपको मान्य सदस्य, हमने बोला आज हम पढ़ेंगे। आप लोग आसन पर बैठिए, आसन पर भानु जी बैठिए, हम पढ़ेंगे कार्य स्थगन, बहुत महत्वपूर्ण कार्य स्थगन है, आप तो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। माननीय मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, कि इस वर्ष सरकार ने कितनी लक्ष्य रखा है, कितने लोगों को रोजगार देगी, ये बताने के माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे। माननीय मंत्री जी, एक तो नंबर है। अभी आपका समय नहीं आया, सूचित हो गया, उसके बाद तरंगित होता है, अभी नहीं आया उसका। माननीय सदस्य दीपक बिरुवा जी, महोदय हम पढ़ेंगे, भानु जी हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कार्य स्थगन, पढ़ेंगे पर हमने कार्य स्थगन का जैसे ही बारी आएगा ना, हम कार्य स्थगन पढ़ देंगे। आप नियमावली में जो नियम है कार्य स्थगन पढ़ने का, भानु जी हम पढ़ेंगे, आप आश्वस्त करते हैं, हम पढ़ेंगे कार्य स्थगन, पढ़ेंगे, आप आने दीजिए नियमावली के अनुकूल। अमर जी नियम से चलने दीजिए। हाँ भाई कार्य स्थगन पढ़ेंगे, आपका पढ़ेंगे, आप ही का बात पढ़ने के लिए तो आए यहाँ, पढ़ेंगे। बढ़िए मनीष जी अध्यक्ष महोदय हमने पूछा था क्या यह बात सही है कि हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा दी जाने वाली उपाधियां तथा प्रवेश का साहित्य भूषण रंग सहित अलंकार की क्रम का मैट्रिक इंटर स्नातक के समकक्ष अस्थायी मान्यता को दिनांक 26/2014 के प्रभाव से समाप्त करते हुए विभागीय पत्रांक 60/63 दिनांक 3/11/2003 के तहत विलोपित किया गया है, स्वीकारात्मक आंसर आया अध्यक्ष महोदय। दूसरा, मैंने पूछा था क्या यह बात सही है कि उपयुक्त वर्णित संस्था से निर्गत प्रमाण पत्र को तिथि से किसी भी नियुक्ति प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी गई है, उसमें भी स्वीकारात्मक है। लास्ट में जो जवाब आया सरकार का अध्यक्ष महोदय दीपक जी एक मिनट, दीपक जी सूचना में खड़ी है, दीपक जी
तो मैंने सरकार को धन्यवाद दिया जो रोजगार के प्रति इतनी गंभीरता दिखाई और नई नियुक्ति नियमावली माननीय सदस्य अपने आसन पर जाए, माननीय सदस्य अपने आसन पर जाए, आसन का मजबूरी को भी समझे। मैंने ये भी मांग किया है कि जो नियोजन नीति में कई संशोधन के लिए काफी आवाज उठी है, मांग उठी है, उसको संशोधन करने के लिए नई नियुक्ति नियमावली को, उसके लिए भी मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री जी से और कि उसपे संशोधन करें और साथ में पढ़ेंगे अमर जी, आप व्याकुल न हो, हम निश्चित पढ़ेंगे आपका बात पढ़ेंगे। आप अपने आसन पर जाए हम पढ़ेंगे। अमर जी पढ़ेंगे, अध्यक्ष अमर जी पढ़ेंगे एकदम पढ़ेंगे। आप अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ। अरे भाई, प्रश्न आपका कोनो ऐसे है क्या? प्रश्न करिए माननीय मंत्री जी, जवाब देंगे। आप ऐसे की तरफ पढ़ रहे हैं, इसका जवाब नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय। ऐसे होता है? आप पूरक पूछिए, पूरक जवाब नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय। पूरक पूछिए ना, पूरक क्या है आपका? पूरक एक ही चीज को बार बार बोल रही हूँ अध्यक्ष महोदय। आप पूरक समझ रहे हैं कि नहीं? पूरक पूरक यही है अध्यक्ष महोदय। पूरक सरकार से अनुरोध है अध्यक्ष महोदय। आप पूछिए, इसमें जो वैकेंसी रिक्त पड़ी है, महिला सदस्य प्रश्न पूछ रही है, राजहित का जरा इनका भी प्रिविलेज दे। नवीन जी, उसकी परीक्षा संचालित कर ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति इस वर्ष करवाए। माननीय मंत्री जी जिसके वजह से जवाब दीजिए उनका। महोदय, इनका जवाब जो है साफ दिया गया है और जो हमारे सदस्य को पूछने का आशा है, सरकार स्तर से रिक्त पदों का विरुद्ध नियुक्ति कार्रवाई की जा रही है, प्रोसेस में है, बहुत जल्दी किया जा रहा है जाएगा और जितना विभाग का डिस्टर्ब कर दिया है विभाग का उसको भी हम लोग छुट्टी दे रही है। मंत्री जी, माननीय सदस्य, की इस वर्ष सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है, कितने लोगों को रोजगार? प्रदीप जी कुछ बोल रहा है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उत्तर दिया है कि भाई हम भिन्न भिन्न जो त्रुटियां हैं, विसंगतियां हैं, उन सारे चीजों का समाधान कर रहे हैं। भाई क्या सरकार इसके लिए कोई विशेष समिति बनाई है और कितनी विसंगतियां हैं उसकी असेसमेंट की है? अब ऐसी विसंगतियां एक एक करके दर्जनों आ जाएगी तो सरकार एक ठोस बात सामने लाए कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने चाहे नियोजन नीति हो, चाहे आरक्षण नीति हो, चाहे अन्य बहालियों को उम्र सीमाओं में हो या फिर विषय बार कई चीजों की बहालियों में होकर त्रुटियां है, उन त्रुटियों को आप दूर करना चाहते हैं तो क्या कोई विशेष समिति सरकार ने बनाई है और कितनी त्रुटियां है, उन किन किन चीजों में त्रुटियां है, कोई रिपोर्ट सरकार के पास है, वो सरकार पटल पर लाए तब कोई ठोस उत्तर सामने आए। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, समझते हुए जवाब दीजिए। झारखंड सरकार के 29 विभागों में राज्य विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी पदाधिकारी की नियमावली जो है उसको दूर किया जा रहा है, जो भी कमी है 29 विभागों में उसको दूर कराकर जो संशोधन करके बहुत जल्दी आपके सामने नियमावली लाया जाए। इतना ही हो गया। माननीय दीपक अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है इस बात को, लेकिन मेरा एक ही सवाल है अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के सचिवालय सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, फॉरेस्ट विभाग, विधानसभा, हाईकोर्ट, कई ऐसे विभागों में देवघर विद्यापीठ से मान्यता प्राप्त देवघर विद्यापीठ के सर्टिफिकेट से लोग काम कर रहे हैं। जब 2014 से डिग्री की मान्यता को समाप्त किया गया है तो 2014 के बाद भी चाहे सचिवालय हो, विधानसभा हो, हाईकोर्ट हो या विश्वविद्यालय से हो, वह फॉरेस्ट विभाग, अन्य कई विभागों में लोग आज भी नियुक्ति पर हैं और उनको प्रोन्नति का लाध दिया गया है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से, कि इन लोगों को चिन्हित करके कब तक जो है ना इन लोगों को हटाया जाएगा वहाँ से, ताकि यहाँ के मूल जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल किए उनको उसका जगह मिल सके।
कब तक में ये चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे और उन देवघर विद्यापीठ वालों को जो है ना उसे हटाएंगे प्रोन्नति और नियुक्ति से। आप लोग कार्य स्थगन नहीं पढ़ने दीजिएगा, माननीय सदस्य आप ही का कार्य स्थगन है। माननीय मंत्री जी, मंत्री जी,